हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम हेयर विद अ न्यू व्लॉग और ये है अबाउट अ पार्क जिसका नाम है हिताची सी साइड पार्क, जो कि जापान के इबाराकी प्रिफेक्चर में स्थित है। तो इसके लिए टोक्यो से पार्क जाने के लिए लगते हैं 3 घंटे और आप ट्रेन से जा सकते हैं और शिंकानसेन से भी जा सकते हैं, बुलेट ट्रेन, बट हम नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन से गए थे और इसको एक तरफ जाने में लगा था अराउंड 3 घंटा और आने में भी 3 ही घंटा लगा था। एंड देन इसका फेयर अराउंड था 3000 येन, जो कि इंडियन रुपीज़ में होगा लमसम 1500। एंड देन पार्क में एंट्री करते ही हमें मिले ये यूनिक डॉग्स। सो ये बहुत ही ज़्यादा बड़े थे साइज़ में। एंड देन फ्लावर स्टार्टेड, सो पार्क के स्टार्टिंग में ही वहाँ पे ट्यूलिप का गार्डन बना रखा है। एंड दिस इज़ द मैन मेड गार्डन, सो इट्स बट थोड़ा थोड़ा नीदरलैंड वाला फील तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छे कलर्स के ट्यूलिप्स थे और यहाँ पे 260,000 ट्यूलिप के पेड़ हैं डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी एंड कलर्स में, और विंड मील भी है टू गिव द प्रॉपर फील ऑफ ट्यूलिप गार्डन। सो जापान जो है वो अपने पार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ के पार्क्स बहुत ज़्यादा ही क्लीन रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं और डॉग भी अलाउ रहते हैं। सो यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था डॉग का, 7th बर्थडे। सो आई ऑल्सो कैप्चर्ड देम एंड उनकी स्पेशल सवारी थी। ट्यूलिप गार्डन में डॉग अपना बर्थडे मनाने आए थे, हाउ लकी आर दे। सो ये ट्यूलिप गार्डन मैंने पहली बार देखा था, आई मीन ट्यूलिप गार्डन ही हमने पहली बार देखा था। सो आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी द ट्यूलिप्स विद डिफरेंट कलर्स एंड वैरायटी। यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट वैरायटी थी, ऑल्दो ज़्यादा एरिए में नहीं था बट फिर भी अच्छा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही हमें मिले डिफरेंट काइंड के फ्लावर्स एंड सीनरीज जो कि पार्क में थी। इट्स वेरी बिग पार्क, यहाँ पे म्यूजियम पार्क भी है, सो बीच में वाटर भी बना रखा है। सो आई एंजॉयड दैट डे। बीच बीच में मेरा फोटो सेशन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देन यहाँ से स्टार्ट होते थे मस्टर्ड ट्री फ्लावर्स और उसके पीछे थे नीमोफिला फ्लावर्स, जिसके लिए ये पार्क मेनली फेमस है अप्रैल के सीज़न में, जिसके लिए हम भी गए थे देखने के लिए। ट्यूलिप वॉज नॉट द मेन अट्रैक्शन। सो पहले हमने एक्सप्लोर किए मस्टर्ड फ्लावर्स जो बहुत ही सुंदर थे ऑफकोर्स, एंड देन I end up with the Nemophila flowers, जो कि बहुत ही bulk quantity में यहाँ पे हैं and it is the highest number of Nemophila in Japan. So if you are in Japan in April season, mid-April to end April, so try to visit this place. This place is easily accessible with Shinkansen from central Tokyo. So it is worth to visit and its name is Hitachi Seaside Park. So इसमें sea भी है, मतलब आप टॉप पर जाते हैं then you can view the sea or you can go to the sea also. But हम पे उतना time नहीं था कि sea side जाएँ because park ही बहुत ज़्यादा बड़ा था and entry time is 9 am and exit you have to do by 4:30 I guess, 5. सो इतना टाइम नहीं था। एंड देन आई हैड द फेमस आइसक्रीम ऑफ देयर एंड एक्सप्लोर
मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ डॉग स्पीशीज, क्योंकि डॉग अलाउ थे इस पार्क में. वैसे जनरली जापान के ऑलमोस्ट पार्क में डॉग अलाउ रहते हैं, तो यहाँ पे भी थे. बट इस पार्क में इतना भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, ऐसा लग रहा था कि सब यहीं आ गए. बट बहुत सारे लैंडस्केप थे इस पार्क में, सो यू कैन एक्सप्लोर द डिफरेंट काइंड ऑफ सीनरी एट अ सेम टाइम, लाइक फ्लावर्स के साथ, सी के साथ, स्काई के साथ एंड विद नेचर, जो कि बहुत ही आइकॉनिक था. एंड देन देयर इज़ अ म्यूजियम पार्क ऑल्सो, सो देन आई वेंट देयर, बट ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका था तो कोई राइड नहीं कर पाए थे वहाँ पे. बट उसका भी कुछ डे पास है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्राइस, बट डे पास लेके आप सारे राइड्स कर सकते हैं. बट आई कुड नॉट डू द राइड देयर. एंड देन क्लोजिंग टाइम हो रहा था, देन आई गॉट आउट. साइकिलिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे, जिसका प्राइस अराउंड 600 येन था. बट वी वर वेरी लेट और रेन स्टार्ट होने वाली थी, तो फिर साइकिलिंग तो नहीं कर पाए, जिससे आप पार्क बहुत अच्छे से कवर कर पाते. बट फिर भी ओवरऑल सारा ही कवर हो गया था ऑलमोस्ट बाय वॉक. साइकिलिंग भी बट यहाँ पे अवेलेबल है. एंड देन आई टुक द ट्रेन अगेन टू कम बैक टू माई रूम. ऑफकोर्स घर तो आना ही है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी इंफॉर्मेशन, वॉन्ट टू नो एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस पार्क, देन प्लीज कमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन अनदर ब्लॉग. टेक केयर. बाय बाय.